हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। मैं हूं इमरान। आज हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया का। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हो एनिमल किंगडम में क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम जो है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। कम से कम तीन क्वेश्चन तो फिक्स है, थ्री क्वेश्चंस एनिमल किंगडम से बिल्कुल आने ही हैं हमारे नीट के पेपर में। कम से कम थ्री क्वेश्चंस तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्री क्वेश्चंस यानी कि 12 मार्क्स, यू नो। तो चलिए कोशिश करते हैं, इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। इन फीचर्स को देखा जाए क्या है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओके। बायलेटरल सिमेट्री ओके। ट्रू सिलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। इन सब को सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एनिमल ग्रुप्स विच पोजेस ऑल अबव द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है एनिलिडा, ठीक है, मोलस्का, कोर डाटा। तो इसमें एनिलिडा ठीक है, लेकिन मोलस्का में जो है क्या है, मोलस्का का जो फीचर है इसमें सेट नहीं कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ें। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा। फिर बाकी ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विथ बायलेटरल सिमेट्री। ये बायलेटरल सिमेट्री के साथ कौन इसमें से सही है, क्या है ट्रू सिलोमीटर बायलेटरल सिमेट्री, क्या होगा हमारा ऑप्शन, एडल्ट एकाइनोडर्म्स, एसके एलिमेंथिस, प्लेटी एलिमेंथिस। नहीं, ये सीधा हमारा आंसर बनता है क्या, एनिलिड्स, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की विच काइंड्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्लैटवर्म्स, स्पॉन्जेस, टीनोफोर्स, कोरल्स। क्या होगा हमारा ऑप्शन, होगा फ्लैट वॉर्म्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ओके। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, क्या है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, यानी कि हमको करेक्ट क्वेश्चन बताना है। फर्स्ट है ए में राउंड वॉर्म्स, एस्के एलिमेंटिस आर स्यूडो सिलोमेट्स। सेकेंड है मोलस्कार ए सिलोमेट, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंसेक्ट आर स्यूडोसिलोमेट, ये भी रॉन्ग है। फ्लैट वॉर्म्स आर सिलोमेट, सिलोमेट नहीं होता है, ये स्यूडोसिलोमेट होता है, ये भी गलत है, हमारा आंसर बन जाएगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या करना है, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एस्की हेलिमेंथिस, एस्की हेलमेंट बिल्कुल बायोलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक यही होता है। बाकी सब क्या है, ये बाकी जो तीनों का तीनों है हमारा क्या है, ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो हमारा क्या हो गया, एस्की हेलमेंट आंसर बन गया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्या है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका करैक्टरिस्टिक्स है। तो क्या है, फर्स्ट है मोलस्का एंड कोडाटा, नहीं मोलस्का तो होता है, प्लैटी हेलमेंथिस एंड आर्थ्रोपोडा, ये भी नहीं जाएगा। फिर हम बात करते हैं उसके तीसरे नंबर यानी कि सी नंबर ऑप्शन की, उसमें क्या है, इकाइनोडर्माटा एंड एनिलिडा। एनिलिडा तो ठीक है, इकाइनोडर्माटा में नहीं होता है, तो पूरी तरह ऑप्शन सही नहीं है। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। सिक्स नंबर का ऑप्शन होगा एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, जिसमें क्या होगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ओके। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, सेवन में क्या है, सेवन में क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि द एनिमल्स विथ बायलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेर सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज। ओके, यानी कि यंग स्टेज में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री और जो है कि
एंड रेडियल सिमेट्री जो है एडल्ट स्टेज में है, तो क्या किस में पाया जाता है? सिंपल सी बात है, कैनेडर मैटर में तुमको याद है डायरेक्टली हमारे क्या हो जाएगा, कैनेडर मैटर आंसर बन जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव स्केटर्ड सेल, स्केटर्ड सेल विथ सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है स्केटर्ड सेल, किस में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में, ठीक है हाइड्रा में। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सिलोम इज फाउंड बिटवीन, सिलोम किसके किसके बीच पाया जाता है, किसके बीच पाया जाता है सिलोम। तो अगर हम बात करें तो सिलोम जो है हमारा यहाँ कह रहा है बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म, बॉडी वॉल तो ठीक है बट एक्टोडर्म नहीं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म नहीं 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 यहाँ होता है कि थर्ड डर्म, मेजोडर्म एंड बॉडी वॉल बिल्कुल सही, यानी कि इंडोडर्म, यानी कि मेजोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाया जाता है क्या हमारा सिलोम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिसाइड्स एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा द मेटामरिज्म इज एग्जिबिटेड बाई, यानी कि एनिलिडा और ऑर्थोपोडा को छोड़ करके मेटामरिज्म कौन शो करता है, कौन दिखाता है, क्या होगा हमारा मेटामरिज सेगमेंटेशन कोर्डेट्स में दिखाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा कोर्डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल, क्या है एसिलोमेट, बायलेटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाई, उसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, 2020 में पूछा गया था, इसी साल पूछा गया है, क्या होगा इसका आंसर, एसिलोमेट है और बायलेटरली सिमेट्रिकल सीधा प्लेटी हेलमेंथिस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो सिलोमेट हो जाते हैं, ये तो सीडो होता है, ये सिलोमेट हो जाता है, ये बच के ये तो होता नहीं, ये रेडियल होता है, ये हो गया हमारा बायलेटरल सिमेट्री। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्या करें, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम को पहले मैच करना है और उसके बाद जो है कि हमें क्या करना है कि आंसर सेलेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा है कि पॉइजन स्टिंग जो है, पॉइजन स्टिंग किसमें पाया जाता है, डी का 1 करें, डी का 1 हो गया, ओके। फिर कह रहा है कि 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट किसमें होता है, आइए हम पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा हमें, ऑप्शन से हमें समझ में आ जाएगा सीधी, आइए देखते हैं पहले ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन जरा देखिए ध्यान से कि जो जो डी का 1 हम लगाए थे कि डी का 1, तो डी का 1 किस में दिया है, डी में वन जो है कि 2 में दिया है, यानी कि हमारे पास ए और सी और आंसर बन सकता है, क्या बन सकता है ए और सी, तो क्या हमारा ए और सी, तो ए में डी 1 है, उसके बाद देख लेते हैं हमारा आंसर ए ही होगा, यानी कि 6 to 15 पीस साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये बन गया 2020 का आंसर। फिर बात करते हैं हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोडाटा, फाइलम कोडाटा के लिए ट्रू कौन सा है, ठीक है हमें ट्रू बताना है फाइलम कोडाटा के लिए, तो चलिए पढ़ते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन यूरोकोडाटा नोटोकोडा एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, तो ये यूरोकोडाटा में नहीं होता है थ्रू आउट साइकिल, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग सही नहीं है। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है कि इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यस 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 बिल्कुल ये करेक्ट है हमारा ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी सही ऑप्शन। फिर कोडाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकोडाटा ट्यूनोकोडा एंड ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, बी एंड सी, बी एंड सी कौन सा है, डी ऑप्शन है, यानी कि 13 का हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ये भी 2020 में पूछा हुआ। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आपने देखा ना कि दो क्वेश्चन कब से कहे थे ना कि 3 क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आसानी से पूछा जाता है इसमें, अभी 2 क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन अभी देखने जा रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है, फर्स्ट में कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है कि हमें इसको पहले मैच करें, तो क्या कह रहा है ए का क्या हो जाएगा,
एक क्या हो जाएगा हमारा, एक अगर कि ग्रिगेरियस एंड पोलीफेगस पेस्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट कौन कहता है, लोकस्टा कहते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट, यानी कि हमारा ए का क्या हो जाएगा सीधे, ए का क्या हो जाएगा फोर, तो वन का फोर हो जाएगा, एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री लार्वा बायलेटरल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीधे एस्टेरियास हो जाएगा स्टारफिश, यानी कि बी का बी ए क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। एंड सी का बुक लंग्स जो है किसमें पाया जाता है, बुक लंग्स हो गया स्कॉर्पियन में, यानी कि सी का हमारा क्या हो गया दो हो गया, टू हो गया। एंड डी जो बच गई है वो हमारा क्या हो गया, और थ्री नंबर, यानी कि क्या हो गया टीनो प्लान है, यानी कि हमारा आंसर क्या बन गया बी नंबर आंसर बन गया, हमारा आंसर क्या बना ये बी नंबर ऑप्शन बन गया आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, देखिए ये भी 2020 में पूछा हुआ था, तो देखिए थ्री क्वेश्चन जो है कि एनिमल किंगडम से पूछे जाते हैं, थ्री क्वेश्चन कम से कम तीन क्वेश्चन तो फिक्स है आपको हर हाल में, कभी कभी ज़्यादा भी पूछ देते हैं, फोर क्वेश्चन भी कभी पूछ देते हैं, लेकिन थ्री कम से कम तो आना तय है, ठीक है। तो ये 15 में क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है कि 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पीला में क्या होता है रेडुला, यानी कि ए का थ्री हो गया, बॉम्बैक्स का क्या हो गया मल्फिजियन टिब्यूल हो गया फोर, फोर एंड सी का क्या हो गया प्लूरो ब्रेके का कॉम्प्लेक्स हो गया ए टू हो गया, एंड टीनिया का जो बच गया हमारा वन फ्लेम सेल हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या बन गया ए का थ्री बी का फोर, यानी कि हमारा आंसर बन गया सी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो है कि 19 ने पूछा हुआ क्वेश्चन था, अब बात करते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 16 की, 16 क्या है कि मैच द फॉलोइंग जेनेरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम की, ओके किसके एग्जांपल, प्लेनारिया पिंटाडा परलोस्टर, ओके जो पिंटाडा है हमारा फाइजेलिया उफाइरा एंड प्लेनारिया, आइए देखते हैं इन सबको देखते हैं कि क्या है। वन का हमारा क्या है, वन का थ्री हो जाएगा फायरा हो जाएगा इकाइंडोरमाटा का, तो ये वन का थ्री हो गया, एंड टू का क्या हो गया हमारा फोर हो गया, एंड पिंक टाडा का क्या होगा थ्री का क्या हो गया हमारा थ्री का वन हो गया, उसके बाद जो बच गया हमारा वो टू हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पर तो क्या बन रहा है 16 का हमारा आंसर जो है कि बी बन जा रहा है, 16 का हमारा ऑप्शन जो है बी बन जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, कौन से एनिमल्स है जो मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाता है, मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन 17 का, अर्थवर्म नहीं जाता है मेटामॉर्फोसिस, बाकी सब ट्यूनिकेट स्टारफिश मोथ सब करते हैं। फिर बात करते हैं 18 को में क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड कैरेक्टराइज बाई क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, किसमें किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड्स पाए जाते हैं, किसके पाए जाते हैं भाई, ये हमारा होते हैं इप्स की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच वन ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉट अ होमोथर्म, कौन इनमें से होमोथर्म्स नहीं होता है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन माइक्रोपस किलोन, ये हमारा होगा चिलोन कैमेलस, ये सब तो सिट्टकूला, ये सब तो क्या होमोथर्मस होता है, क्योंकि ये सब क्या है, ये तो हो गया एप्स का हो गया, और ये हो गया हमारा मैमल्स का, तो ये दोनों क्या होता है होमोथर्म्स होते हैं, ये नहीं होता है। चलिए बात करते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की, क्या करें कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोर्डेट्स शेयर विथ कोर्डेट, कि कौन सा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हेमिकोर्डेट्स कोर्डेट के साथ शेयर करते हैं, तो क्या हमारा ऑप्शन बन जाएगा 20 का, फर्स्ट है कि वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोर्ड, फिर फायरिंग्स विथ गिल स्लिट एंड फायरिंग्स विदाउट गिल स्लिट एब्सेंस ऑफ नोटोकोर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 का आंसर,
ट्वेंटी का आंसर हमारा क्या बन रहा है? तो ट्वेंटी का हमारा जो है आंसर है वो क्या बनेगा कि इम्पोर्टेंट हेमिकोडेट क्या सर करता है, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड एंड 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 और क्या है फिर क्या कर रहा है ट्वेंटी का, ट्वेंटी के हमारे क्या हो जाएगा फायरिंग्स विथ गिल स्लिट, फायरिंग्स विथ गिल स्लिट हो जाएगा, ठीक है कि फायरिंग्स और गिल स्लिट आपस में फायरिंग्स के साथ गिल स्लिट वाला जो हेमी कोडेट कोडेट के साथ शेयर करता है। फिर 21 की बात करें अगर हम, विच अमंग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो 21 नंबर क्वेश्चन के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉल्फिन सील एंड ट्राइगन। ओके ओके ओके, तो 21 नंबर क्या हो जाएगा, वेल डॉल्फिन एंड सील, या हमारा हो जाएगा क्या इक्विटिक में वेल डॉल्फिन एंड सील, ये सब क्या है इक्विटिक है। ओके हाँ देखो क्वेश्चन में 22 की बात करें अगर हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ऑर्डर ऑफ हॉर्स कौन शो कर रहा है? तो 22 नंबर के हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ हॉर्स को क्या कहते हैं हम, 22 नंबर के हमारा क्या शो कर रहा है, 22 नंबर के हमारा क्या शो कर रहा है, हमारा हो रहा है प्रेसोडक्टाइला, प्रेसोडक्टाइला होता है 22 का। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पॉन्जी सेल इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल, इन केस ऑफ पोरिफेरेंस, पोरिफेरा केस में स्पॉन्जी सेल इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड, क्या कहलाएगा 23 का, कोइनोसाइट्स कहलाता है, कोइनोसाइट्स कहलाता है। फिर हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चंस की, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर ओविपेरस, नहीं कुछ मैमल्स ओविपेरस भी होते हैं, तो ये क्या है पूरी तरह से सत्य नहीं है। 24 नंबर की बात करते हैं, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, यही हमारा आंसर बन गया। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाई बर्ड एंड मैमल्स, बर्ड और मैमल्स के द्वारा कौन सा करेक्टरिस्टिक आपस में शेयर नहीं किया जाता है, विपरेटी वॉर्म ब्लड नेचर ऑसिफाइड इंडोस्केलेटन ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, तो क्या आता है 25 का हमारा विपरेटी, विपरेटी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के, सीधे 26 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं सीधे और बात है 26 नंबर क्वेश्चन की, क्या कर 26 नंबर क्वेश्चन, Which of the following characteristics feature always hold true for the corresponding groups of animals? जो बिल्कुल सही है इसमें से, तो क्या हो सकता है 26 नंबर हमारा, 26 नंबर का कि cartilaginous endoskeleton chondrocalcinosis, बिल्कुल ये सही है, यही हमारा क्या है 100% सही आंसर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम अर्थोपोडा, कौन सा फीचर फाइलम अर्थोपोडा में नहीं पाया जाता, क्या पैरापोडिया, ज्वाइंट अपेंडिसेस, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्या होता है 27 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पैरापोडिया नहीं होता है। फिर बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, कि किस फाइलम में आता था, क्या हो जाएगा हमारा 28 नंबर का, ये हो जाएगा पोरिफेरा में आता है, ठीक है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मेटाजेनेसिस रेफर किया जाता है किस में, तो 29 नंबर का क्या, ऑकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक मोहम, एंड क्या हो जाएगा 29 नंबर के हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्या जगह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड सेक्सुअल पोर्स फेजेस, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है 29 नंबर का डी। फिर बात करते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन की, ए जॉलेस फिश व्हिच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमनियोसेंटेस लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, किस क्या हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा पेट्रोमाइजन आंसर, ठीक है। फिर बात करते हैं 31 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज सो विविपैरिटी, क्या विविपैरिटी शो करता है जो कि हमारे अंदर रहता है, तो क्या होगा हमारा 31 का हो जाएगा ए ट्रैकिनेला स्पायरिलिस। फिर बात करते हैं ये 32 का
32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए अभी कह रहा है कि एक्सेप्शन की बातें कर रहा है कि इसमें से कौन है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन के करेक्ट है। तो इसमें तो एक्सेप्शन है, दोनों में लगा दिए हैं, देख लिए फिश में ये पेंडेज लिखा है, यहाँ फिन्स होना चाहिए ज्यादा करेक्ट होता, यहाँ पे मॉइस्ट अगर ड्राई होता तो ये करेक्ट हो जाता, तो ये नहीं है। फिर आगे देखते हैं इसका ऑप्शन बॉडी, ये हम मुझे जो लगता है कि 23 नंबर का 32 का सी होगा, तो यही हुआ। मेमोरी ग्लैंड हेयर ऑन बॉडी एंड पिन्ना विथ टू पेयर्स ऑफ लिम्स, तो ये क्या है, ये हमारा मैमल्स का फीचर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हम बात करते हैं 33 नंबर की कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट वीविपेरस, कौन इसमें से वीविपेरस नहीं है, और तो क्या हो जाएगा हमारा 33 नंबर का, प्लैटीपस, वेल, फ्लाइंग फॉक्स, एलिफेंट, यानी कि 33 का हमारा आंसर बन जाएगा प्लैटीपस। ओके, फिर हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की, क्या है 34 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड, क्या कारण है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट के ऑन लैंड पे, तो क्या है हमारा 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन, क्योंकि उनके जो स्केलेटन है वो बहुत हार्ड होता है इसलिए जल्दी मरते नहीं हैं। फिर बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, सेलेक्ट द टैक्सोन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, सेलेक्ट द टैक्सोन रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, जो कि मरीन और फ्रेश वाटर स्पीसीज दोनों में पाया जाता है, तो क्या है हमारा 35 का आंसर, निडेरिया होता है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्लेनेरिया पॉजेस हाई कैपेसिटी ऑफ क्या रीजनरेशन पाया जाता है, 36 का बी हो जाता है, सॉरी 37 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि ए मरीन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, कौन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, 37 नंबर में क्या हो जाएगा, टारपेडो, क्या है हमारा ये इलेक्ट्रिक और ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। फिर बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, 38 नंबर क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशंस, कौन सा इनमें से सही है, 38 नंबर का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्टिचिस फ्लाई, सिल्वर फ्लाई, इंसेक्ट है, बिल्कुल सही है ये। 39 नंबर की बात करते हैं हम सीधे, तो आइए देखते हैं 39 नंबर, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, सेम फाइलम से कौन कौन बिलोंग करता है, तो आइए देखते हैं 39 नंबर क्या, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट, आर्थ्रोपोडस बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं कि मैच द कॉलम ऑफ एनिमल्स विद द वन कैरेक्टरिस्टिक टू एंड फाइलम क्लास बिलोंग्स टू, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 40 की हम देख रहे हैं। ओके, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा कि इसे मैच करना है, कौन सा ही मैच किया है, तो लिमुलस बॉडी कवर्ड जो स्केलेटन, पाइसेस नहीं, ये गलत है, एडम्सिया ये भी गलत है, पेट्रोमाजन एक्टिव पैरासाइट साइक्लोटन, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा रहा सही आंसर। फिर बात करते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन की, तो 41 नंबर में क्या कह रहा है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम ऑफ ऑर्थोफोडा, ऑर्थोफोडा का रिप्रेजेंटेटिव फाइलम कौन सा है, कौन सा होता है जी, 41 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डी, यानी कि सिल्वर फिश हो जाएगा सीधे। क्या हो जाएगा 42 का, तो 42 का हमारा जो है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, सही है जो कि, तो क्या हो जाएगा हमारा 42 का, 42 का हमारा क्या बन जाएगा कि अगर हम देखकर डायरेक्टली आंसर देखकर समझे तो इसको कहते हैं कि बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, बिल्कुल सही है, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल शीयर्स, हमारा क्या होगा ये डी का आंसर बन जाएगा, 42 का आंसर बन जाएगा डी। अगर हम 43 की बात करते हैं तो करें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स, कौन है जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, निडेरिया, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, टीनोफोरा, क्या हो सकता है हमारा 43 का, टीनोफोरा, ठीक है, डी नंबर आंसर। चलिए 44 की बात करते हैं, अगर हम 44 में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टैक्सॉन, ओके देखते हैं क्या है हमारा 44 का,